का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम। सरयू नदी प्रभावित जिलों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। गोरखपुर संत कबीर नगर बस्ती का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। अयोध्या गोंडा बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम। जिस तरह से लगातार नदियां उफान पर है, पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम तरह के अलर्ट पहले भी जारी कर दिए गए हैं। कई जिले इससे प्रभावित है, जो सरयू नदी के आसपास के जिले हैं वो इससे प्रभावित है। पहले ही डीएम की तरफ से आदेश दिए जा चुके, अलर्ट भी जारी किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सरयू नदी प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या गोंडा बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। आज सदन शुरू होने से पहले हवा जो सर्वेक्षण है वो करेंगे, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका। नदियां उफान पर है और कटान की भी उम्मीदें हैं, जिसको देखते हुए आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका सर्वेक्षण करेंगे। इसका पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां उफान पर है, हालांकि इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां पहले भी कर ली गई है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसका हवाई सर्वेक्षण करेंगे, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल त्रिशला, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9:30 बजे आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जिसमें वो गोरखपुर है, बांदा है और उसी के साथ साथ बाराबंकी है, संत कबीर नगर है, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर वो हवाई सर्वेक्षण करके ये देखने की कोशिश करेंगे आखिर जो बाढ़ का पानी है वो कहां कहां पर गया है और उससे किस लोगों का कितना नुकसान हुआ है। इसको लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि आप लोगों को भी मौके पर पहुँचना होगा और उसी के साथ साथ उनको स्वास्थ्य संबंधी और राशन संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनको तत्काल दूर करिए। एक एक टीम को वहां पर भेजा जाए, सभी लोगों से पूछा जाए कि उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पानी जब घरों में घुसता है तो वहां पर जो बच्चे मौजूद होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। इसको लेकर भी टीम लगाई गई है। राशन संबंधी दिक्कत होती है घरों में पानी भर जाने से, जो उनका किचन होता है, तमाम ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो खराब हो जाती हैं, ऐसे में राशन पहुंचाने की भी बात करी गई है। अब आज जिस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9:30 बजे वहां पर पहुंचेंगे, उसके पहले अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आप लोग अपनी अपनी तैयारी पूरी कीजिए। अगर किसी किसान की फसल बर्बाद हुई है या उसका घर बर्बाद हुआ है तो उसका भी आकलन कराया जाए और अगर ज़रूरत होगी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को आवास देने की जो योजना है उसका भी लाभ दिलाया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए लगातार जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर खुद वहां पर पहुंचते हैं, इसके पहले तमाम लोग अगर बात करी जाए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे, बृजेश पाठक भी पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे तमाम मौकों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि आप लोगों को कहीं पर से भी किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि पहले ही उन किसानों का या फिर जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि जब बाढ़ का पानी देखिए घर में घुसता है तो उनकी फसलें बर्बाद तो होती होती हैं, साथ ही उनका घर भी एक तरीके से जो उनका एक अपना आशियाना होता है वो भी बर्बाद हो जाता है, उनके पास रहने का ठिकाना नहीं होता है, फसलों को बेच कर ही वो अपना घर चला पाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाई सर्वेक्षण के दौरान देखिए त्रिशला ये भी तय है कि उनका जो नुकसान हुआ है उनको पूरा किया जा सकता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राहत को से मदद कर सकते हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आप लोग सभी ऐसी जगहों का आकलन करिए, बाढ़ को आगे आने वाले समय में, हालांकि प्राकृतिक चीज़ है लेकिन बाढ़ को आने वाले समय में किस तरीके से रोका जा सकता है, क्या कुछ ऐसे बांध बनाए जा सकते हैं, क्या कहीं पर ऐसी डैम की व्यवस्था हो सकती है कि जब बाढ़ का पानी ऐसे गांव में घुसता है तो उसको वहीं से नियंत्रित किया जा सके। हमारे संवाददाता गोंडा से राजेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, गोंडा के भी कुछ इलाके प्रभावित है, कौन कौन से इलाके प्रभावित है और प्रभावित इलाकों में किस तरह से मदद पहुँचाई जा रही है? देखिए कृष्णा, गोंडा में दो तहसीलें हैं, एक तरफगंज और एक कर्नलगंज। ये हमेशा हर साल भी जब भी बाढ़ आती है, जब नदी का जो लेवल है वो खतरे के निशान से जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही इन इलाकों में पानी भरना शुरू हो जाता है। फिलहाल मौजूदा समय में गोंडा के करीब 2 दर्जन ऐसे गाँव हैं जहाँ पे बाढ़ है और यहाँ पे पानी भर चुका है। 80 सेंटीमीटर खतरे के निशान से घाघरा ऊपर हुई थी और आज मौजूदा वक्त में करीब 32 सेंटीमीटर नीचे चल रही है। तो वही है कि पानी हर जगहों पे भरा हुआ है, जो पानी चला गया वो वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ पे गड्ढा था, जहाँ पे तालाब था, जहाँ पे निचला इलाका था, उन जगहों पे पानी लगातार भरा हुआ है और लोग जो है वो अपना घर बार छोड़ करके कहीं सड़क पे रह रहे हैं या फिर जो राहत का जो कैंप बना है वहाँ पे रह रहे हैं।
ऐसे करीब 13,000 लोगों को आइडेंटिफाइड भी प्रशासन ने किया है, उनको राहत सामग्री वितरित की जा रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी को लेकर के दौरा करने वाले हैं, गोरखपुर से वो चलेंगे और गोरखपुर से लेकर संत कबीर नगर बस्ती है, फिर इसके बाद गोंडा है, अयोध्या है, बाराबंकी है, तो इन 6 जिलों का वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसके साथ साथ ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कहां पे हम डैम बना करके बाढ़ की आपदा को रोक सकते हैं, क्योंकि गोंडा में आईली से लेकर के और लोलपुर तक की करीब 26 किलोमीटर की दूरी ऐसी है जहां बंधा नहीं है, और बंधा न होने से जब पानी ज्यादा हो जाता है नदी में तो वो पानी सीधे ग्रामीण क्षेत्रों में भरने लगता है और उससे लोगों की फसलें तबाह होती हैं और लोगों के जो घर हैं वो भी पूरी तरीके से उसी पानी में जमींदोज हो जाते हैं। तो इन सब स्थितियों का आकलन करेंगे, भारत सरकार में रिपोर्ट भी है, इसका प्रस्ताव भी पड़ा हुआ है, तो आज वो फिलहाल इसको देख करके, हो सकता है इसको देखने के बाद वो जो भारत सरकार का प्रस्ताव है उसकी कुछ पैरवी करें और यहाँ पे बांध बनाए की योजना जो है। राजेश, जिन लोगों को उन्हें निकाल करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से कैंप पे रखा गया है, कैंपों में मेडिकल को लेकर और खाने पीने को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, प्रशासन की ओर से लगातार जो जिलाधिकारी उज्जवल कुमार हैं इनकी तरफ से 3-4 बार ये चीज बताई जा चुकी है साफ तौर पे कि कैंप में चाहे पशुओं के टीकाकरण की योजना हो, चाहे लोगों की बीमारी है उनको जो वायरल फीवर हो रहा है उसको लेकर के हो, और साफ सफाई को लेकर के जितनी भी चीजें हैं उन सबको लेकर के गाँव के जो लेखपाल हैं उनको, इसके अलावा राजस्व निरीक्षक को लेकर के बाकी टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया। स्वास्थ्य की कई टीमें जो बाढ़ चौकियां बनी हैं उन बाढ़ चौकियों पे जो इंतजाम हैं वो पूरे मुकम्मल हैं, जो ऐसी करीब 13 चौकियां हैं, इन 13 चौकियों पे ऑलरेडी जो स्वास्थ्य चुका है, इसके अलावा जो डॉक्टर्स की टीम है चाहे पशुओं को देखने वाले हैं वो लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, और जो राहत सामग्री है चाहे बनी हुई हो चाहे अबनी हुई हो, चावल टाइप की व्यवस्था भी दी गई है, तो ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। देखा जाता है कि जो स्त्री होती है, स्त्रियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई स्त्री ऐसी भी होती है जो गर्भवती होती है, तो ऐसी स्त्रियों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, ऐसी स्त्रियों के लिए क्या कुछ खास महिला डॉक्टर के भी इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो CSC PSC है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, वहाँ पे CSC PSC में जो उनकी पूरी टीम है, जो स्वास्थ्य टीम है, करीब 6-6 लोगों की ड्यूटी भी लगाई गई है और एम्बुलेंस की व्यवस्था बाढ़ क्षेत्र से। राजेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ बाराबंकी से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक। किस तरह से जो बाढ़ प्रभावित एरिया है उनके लिए कार्य किया जा रहा है, लोगों को बाहर निकालकर कैंप में उनको क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है? देखिए, बता दें, जहां तक सुविधाओं की बात है तो जो बाढ़ राहत की जो सुविधाएं थी उसकी कल नवागढ़ जिला नाथ कुमार जब गए थे, हेतमापुर वगैरह दौरे पर गए थे, जब बाढ़ राहत क्षेत्रों में गए थे जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां जब गए तटबंध पर गए तो वहां उनकी उनको सारी जो अव्यवस्था थी उसकी पोल सामने आ गई, और जहां कहां जहां तक कि वहां पर ना तो कोई किसी अधिकारी ने कोई व्यवस्था कर रखी थी, और वहां पर लोगों ने अपने दर्द को बयान किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों के लिए खाने को काफ़ी देर बाद आता है, 12:30 तक खाना आता है, और साथ ही जो चिकित्सा सुविधा है वो उनको पर्याप्त नहीं पा रही है, तो लोग जो बाढ़ पीड़ित हैं उनका दर्द जो है वो DM को अपने सामने देख कर झलक गया। किस तरह से और कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं दीपक, क्योंकि जिस तरह से लोग बाढ़ से प्रभावित होकर अपने घर से बेघर हो रहे हैं, अपना घर छोड़ के उन्हें कैंपों में रहना पड़ रहा है, उनकी मजबूरी है, तो इस तरह की लापरवाही क्या उच्च अधिकारी की से इसकी कोई शिकायत की गई, कोई उच्च अधिकारी या फिर जो वहाँ के मौजूदा विधायक या संबंधित जो भी राजनेता है वो पहुंचे वहाँ पर लोगों का हालचाल जानने के लिए? देखिए, हम सरयू नदी की बात करें तो हर साल जो है सरयू नदी में बाढ़ आती है और लोगों को पलायन करना पड़ता है, पलायन करके वो लोग तटबंध पर रहते हैं जहाँ पर किसी तरह भारी बरसात का भी सामना उनको करना पड़ता है। अभी तक ना तो उनके पास कोई तिरपाल मुहैया कराए गए हैं, यहाँ तक राशन की बात है, बाढ़ चौकी की बात है, वो भी पर्याप्त जो है उनको भी सुविधा मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जानवरों के लिए भी चारे की समस्या हो गई है, क्योंकि सारी जो फसल है जहाँ है उनकी डूब गई है और चारे वगैरह भी सारा डूब गया, तो इस तरह से जो है उनको भी ना कोई सुविधा नहीं मिल रही है और साथ ही जानवरों को नहीं मिल रही है। कल जब नवागढ़ जिलाधिकारी, जिनको अभी 2 दिन हुए हैं यहाँ बाराबंकी आए हुए, उनको पदभार ग्रहण किए हुए, जब ये सामने पहुँचे तब सारे लोगों ने इनसे शिकायत की और उस पर उन्होंने कड़ी चेतावनी अधिकारियों को दी है। क्या उसके पहले कोई अधिकारी वहां पर मदद के लिए नहीं पहुंचे थे, क्योंकि इस मौसम में लोगों को जनरली वायरल बुखार और तमाम तरह की बीमारियां भी होती हैं दीपक, ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे किया जा सकता, बल्कि बड़े बड़े दावे और वादे हैं कि तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराया जा रहा है, उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही कैसे सामने आ रही है?
देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहले से लोगों को दीपक मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ अनुज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कुछ जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर क्या कुछ मदद मुहैया कराई जा रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो कहा गया कि जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है, यहाँ पे दो गांव ऐसे थे जो पूर्ण रूप से महरूम हो चुके थे, चुपका बाबू या विशुनदास। जब भारत समाचार की टीम ने इसकी पड़ताल की तब जाके कहीं ना कहीं उनको राहत सामग्री मिली और MOIC द्वारा वहाँ पे दवाइयाँ भेजी गई, क्योंकि देखा जा रहा था कि गाँव में ज्यादा बच्चे बीमार पड़े थे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जो सरजू का जलस्तर है वो लगभग 9 सेंटीमीटर अब घट रहा है, लेकिन ये जलस्तर घटने के दौरान जो बीमारियां है, जो संक्रमण है, वहाँ गंदगी के अंबार को चलते ये संक्रमण फैलने का भी खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको लेके जिला प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही की बात की जा रही है। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी द्वारा 9 जिलों का सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण किया जाना है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर निकल के आएंगी कि जो और भी राहत ग्रामीणों को मिलनी चाहिए, जो महरूम हुए गाँव है उनके वहाँ पे जो ग्रामीण है जो बाढ़ ग्रसित है उनको कुछ ना कुछ सुविधाएं जरूर मिलती चुकेंगी। जी बिल्कुल, बाढ़ एक बड़ी समस्या है, आप लोग अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का शुक्रिया।